नमस्कार, ओम साई राम। दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी आया हूँ आपके सामने एक भक्त को लेकर, जिन्हें मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका में। एंड बाबा की असीम कृपा है कि देखिए, इनका जो मैं शूट कर रहा हूँ, मैं कल इनसे परसों इनसे मिला दो दिन में, और अब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि पता नहीं मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि अरे, मैं तो इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। तो चलिए, समय नहीं व्यर्थ करते हैं एंड वेलकम करेंगे यहाँ पे शिखा जी का। ओम साई राम शिखा जी। शिखा जी यहाँ यूएस में 2015 से सेटल्ड है, नियरली 10 साल हो गए। इसके पहले भी एक साल और रह के गई हैं यहाँ पर, बट अब लगता है कि एकदम इन्होंने बोरिया बिस्तर जमा लिया बिल्कुल यहाँ पर। तो चलिए, फील ही नहीं हो रहा इनके साथ में, यू नो, कम्युनिकेट करके, बात करके, कि इंडिया के बाहर हूँ मैं। तो यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, ये साई संगम 6 के प्रोग्राम के दौरान जो कनेक्ट हुए, वो ऐसा फील ही नहीं होने दे रहे कि हम नो हमारे देश में नहीं, विदेश में हैं। तो वो जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, ये बतौर सबके सब उसे यहाँ पर कायम रख रहे हैं एंड वो सब कुछ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा अच्छा, ऐसी सुंदर अनुभूतियाँ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए शिखा जी, आप बताइए कि बाबा के साथ आपका कनेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, और विश्वास कैसे जगा उनके ऊपर? मुझे खुद ही नहीं पता कि बाबा के साथ मेरा कनेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, इतना मैं कैसे कनेक्ट कर गई, मैं नहीं जानती। क्योंकि मेरे घर पे साईं बाबा का फोटो मैंने कभी देखा नहीं, और मेरे घर पे सब बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे साई शंकर भगवान की, माँ पार्वती की, विष्णु भगवान की, ऐसे तो ऐसे साईं बाबा का कभी किसी ने ऐसे पूजा नहीं किया, ना उनको मानते थे, ना मैं जानती थी। हाँ, मैं शादी से पहले विष्णु भगवान को बहुत मानती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और मैं हर थर्सडे फास्टिंग करती थी। जो भी मुझे प्रॉब्लम होता था, कुछ भी, मैं विष्णु भगवान को ही बोलती थी कि मेरा ये प्रॉब्लम है, अब देख लो कैसे करना है, क्या करना है। और मैं उनके अलावा और मेरा किसी को उतना ट्रस्ट ही नहीं था। मेरी 2004 में शादी हुई, उसके बाद मैं बेंगलोर गई, फिर उसके बाद दिल्ली गई। दिल्ली में एक मेरे घर के बगल में एक साईं बाबा का मंदिर था, तो वहाँ हर थर्सडे लंगर होता था। तो मैं ऐसे ही जाती थी कि चलो थर्सडे है, कुछ खा लेंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। बट ऐसा वो कनेक्शन नहीं था कि मतलब बाबा है, कौन है, क्या है इनका हिस्ट्री, क्या है ये। एज ए गॉड ही मैं समझती थी कि ये भी एक गॉड ही है। बट जब मैं यूएस आई मैं 2015 में, बट जो बाबा को जानती शायद मैं पिछले 10 या 12 साल से, बट जो कनेक्शन है कि जो मतलब दिल से दिल का जो है, वो मैं पिछले 5 साल से फील कर रही हूँ। मैं फर्स्ट डे यहाँ लैंड की, होटल में रुकी, और उसी दिन शाम में मैं बाबा की तस्वीर लेके आई थी और अपने होटल का जो लिविंग रूम था वहाँ पे रखी थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए और वो बोलते, आप साईं बाबा को मानती है? मैंने बोला हाँ। तो बोलते, अरे यहीं पर साईं बाबा का मंदिर है, आप कभी दर्शन करने गई है? मैंने बोला अच्छा। सेम डे मैं शाम में साईं बाबा के मंदिर गई, जो मैं प्लेजेंटर में जहाँ सेवा कर रही हूँ अभी, और मैंने देखा वहाँ बाबा की मूर्ति है, पूरा सिटी जैसा माहौल है, इतना अच्छा लगा। मैं बोली कि क्या मुझे भी यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा, और सेम डे उन्होंने मुझे एज ए वॉलंटियर ले लिया। और पहले दिन से लेके आज तक मैं उस टेम्पल में रेगुलर सेवा कर रही हूँ। बाबा मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं, बाबा का सिंगार, बाबा को स्नान कराना, सब कुछ, मतलब मैं इतनी फील होती कि बाबा ने पहले दिन से मुझे अपनी शरण में ले लिया है और मुझे पूरा सेवा करने का मौका दे रहा है। और मैंने मतलब उनसे जुड़ने के बाद मैं खुद फील करती हूँ कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, मेरा थिंकिंग, सोचने का तरीका सब बहुत बदल गया है। ओम साई राम। देखिए भक्तों, शिखा की जो जर्नी है टूवर्ड्स बाबा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ में सेवा के नो माध्यम से बढ़ती जा रही है। एंड देखिए, ये अपने जीवन में कैसे बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो ये बाबा की नो शरण में जाकर एंड उनकी सेवा करने का फल इन्हें मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एंड हम
इनसे आगे भी सुनेंगे। तो शिखा जी, आप बताएं भक्तों को आपने अपने जीवन में क्या क्या लीलाएं महसूस की है बाबा की। बाबा की जो लीला है ना, जो कृपा है ना, वो अपार है। मतलब हमारे सोच से भी परे, हम यहाँ सोच भी नहीं सकते ना, बाबा वहां से कृपा करते हैं। जब आपको लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, मतलब डिप्रेशन के कगार पे आप चले जाते हैं ना, वहां से बाबा जो आपको उठाते हैं ना, और ऐसा उठाते हैं कि पूरा दुनिया ही बदल देते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैंने ऐसा फील किया था एक टाइम पे कि मैं यहाँ आई थी 2050 में, L1 वीजा पे मेरे हस्बैंड आए थे, और 3 साल के बाद हमारा एक्सटेंशन होने गया और हमें एक्सटेंशन नहीं मिला, हमारा रिजेक्ट हो गया। और जो ऑफिस के अटर्नी थे उन्होंने बोला कि आपको 8 डेज के अंदर कंट्री खाली करना होगा। हमारे बच्चे पूरे सेटल थे, घर पूरा सेटल था, बच्चों के फ्रेंड्स यहाँ इतने अच्छे थे, उनका पूरा स्कूल सेटल था, और सब कुछ ऐसा लगा कि अब 8 दिन में सब कुछ खाली करना, पूरा घर का सामान हमें इधर उधर फेंकना पड़ा, इधर उधर देना पड़ा। और फिर हम जब इंडिया गए हैं, वहाँ पे हमारे पास घर नहीं, वहाँ पे हमारे पास सामान नहीं, बच्चों की स्कूल नहीं, मिड सेशन है, कोई स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है, मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी, और घर फैमिली भी सपोर्ट उतना मिल नहीं रहा था। तो मैं बोला बाबा, मैं सीढ़ी गई, बाबा को बोला जैसे हो बाबा मुझे वापस भेजो, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे लगता है वही जो भी है, जैसे मेरे बच्चे हुए हर दिन मेरे से पूछते कब जाएंगे मम्मा वापस, कब जाएंगे, हम बोलते थे हाँ जाएंगे जाएंगे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि विद इन अ 4 मंथ मैं वापस आई, और विद इन अ 4 मंथ वापस आई, और ना ही सिर्फ बल्कि मेरे हस्बैंड का सैलरी भी बढ़ा, माहौल भी उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला। और फिर से जब 3 साल बाद हमारा फिर से एक्सटेंशन के लिए गया, तो मेरे मन में वो डर बैठ गया कि फिर से कहीं रिजेक्ट ना हो जाए और फिर से यही सब प्रॉब्लम ना हो। मैंने बोला अब क्या करूं, तो मैंने साई चरित्र में पढ़ा था कि जब आप कंफ्यूज हो ना तो आप बाबा से ही पूछो क्या करना है, चीट रख दे, श्यामा जी रखते थे, और जो चीट उठता था, तो मैंने है ना हमारा जो एक्सटेंशन लग गया वो 2 कैटेगरी में होता है, एक ब्लैंकेट और एक प्रीमियम। तो प्रीमियम जो होता है ना वो 2 वीक के अंदर आ जाता है कि एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ, और ब्लैंकेट जो है उसको 7-8 महीने का टाइम लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ब्लैंकेट में हमारा जाए या प्रीमियम में जाए, तो हमने है ना 2 चीट लिख दी, ब्लैंकेट एंड प्रीमियम, और बाबा के सामने रख दी, और अपने छोटे वाले बेटे को बोला कि बेटा तुम उठाओ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था कि इस चीट में क्या लिखा है। उसने उठाया, उसमें लिखा था ब्लैंकेट। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अब बाबा ने बोल दिया ब्लैंकेट में डालना, ब्लैंकेट में डाल दो 8 महीना। हम लगता था कि 8 महीना, फिर हमने जो बाबा का डिसीजन था हमने फॉलो किया और डाल दिया। 2 वीक ही हुए थे और हमें पता चला ट्रम्प का उस समय गवर्नमेंट था, तो वो बहुत वीजा रिजेक्ट कर रहा था, इंडियन वालों को वीजा दे नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन चल रही थी, बहुत 80% रिजेक्शन, और जो ब्लैंकेट वीजा है वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा था, और प्रीमियम वीजा कुछ कैटेगरी में एक्सेप्ट हो रहे थे, मतलब प्रकाश के जितने फ्रेंड्स थे उनके प्रीमियम में थे तो वो एक्सेप्ट हो रहे थे। फिर हमें लगा, फिर हम प्रकाश बोलता है कि प्रीमियम वाला एक्सेप्ट तो हो रहा है, ब्लैंकेट वाला तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या होगा लगता है। तो मैं डर गई कि फिर से हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से हमें वही सब ट्रामा से फिर गुजरना पड़ेगा, ट्रोमा से। तो मैं बोली अब जो बाबा ने बोला है अब डाल दिया, बाबा देखेंगे क्या करना है, उनके ही विश्वास पे डाला है, वो ही जाने, और अब बिलीव नहीं करेंगे। 2 वीक बाद प्रकाश के ऑफिस से कॉल आया, अटर्नी का, वकील का, और वो प्रकाश को सॉरी पे सॉरी बोल रहे हैं। तो प्रकाश बोलते क्या हुआ, क्यों इतना आप मतलब ऐसा फील कर रहे हैं। तो बोलते आपने ब्लैंकेट में डाला था, हमने आपका पूरा डॉक्यूमेंट ब्लैंकेट के साथ किया, सारा फिलअप सब किया, बट पता नहीं क्या हुआ, क्या गलती हुई, आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रीमियम के साथ चला गया। और मैं बोली क्या, तो बोलते प्रीमियम के साथ चला गया, और 3 दिन के बाद हमारा एक्सटेंशन अप्रूव हो गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु, मतलब साईनाथ महाराज की जय। ये लीगल वर्क है जो कि गलती नहीं होती है, और वो प्रीमियम के साथ हमारा पेपर चला गया। तो मैं ये समझती हूँ जब आप बाबा पे विश्वास करते हैं ना, आप पूरे दिन से छोड़ देते हैं अपने आप को, वो आपको डूबने नहीं देते, मतलब वो जब बाबा भी अपना प्लान चेंज करते हैं, वो देखे कि तुम कितना ट्रस्ट करती हो मेरे पे। उन्होंने ब्लैंकेट में उठाया लेकिन दिया हमें प्रीमियम में, और एक्सेप्ट भी हो गया 3 दिन बाद। और इतना ही नहीं, जब वीजा एक्सेप्ट हुआ उसके जस्ट 3 महीने बाद हमारा ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस था,
वो रुका हुआ था, बहुत लोगों का वो मतलब कैलेंडर जो था ना वो करंट नहीं हुआ था, वो स्लो प्रोसेस था। दो महीने के लिए वो खुला कि जिसका भी अभी ग्रीन कार्ड के लिए गया है उनका अप्रूव हो जाए, और उसी दौरान अगर हमारा वो अप्रूव नहीं होता वीजा तो हम शायद ग्रीन कार्ड के लिए वो उस डोर के कैटेगरी में नहीं आते। अब वो दो महीने के लिए खुला, हमारा ग्रीन कार्ड आ गया, दो महीने बाद वो क्लोज भी हो गया। फिर से बाबा ने मुझे उस ट्रोमा से कभी गुजरने नहीं दिया। तो देखिए शिखा जी यहाँ पर यूएस में आकर और बाबा की कृपा है ना फील करके कि इन्हें जो जीवन में दुख तकलीफ से गुजरना पड़ा और कैसे बाबा ने उसे सुचारू रूप से आज पूरा फिक्स कर दिया, तो ये ना जो उनकी दया जो करुणा को जो भाव है ना वो मतलब सुनकर महसूस करके कभी कभी अश्रुधारा निकल जाती है, गूज़बम्प्स तो पता नहीं कैसे निकलता है, आप लगता है कि ये तो एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया फिजिकल बॉडी का। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते क्योंकि शिखा जी के पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो शिखा जी और बताइए बाबा की क्या लीला आप शेयर करना चाहेंगी। मैंने 3 साल पहले रेंटेड घर में मूव की, तो वो घर काफ़ी अच्छा था, उसका जो बैकयार्ड था ना वहाँ पे इतने प्लांट्स थे, इतने मतलब रोज के जो गुलाब के जो पौधे होते इतने भरे पड़े थे और सब में लहलाते फूल, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना वैसे ही पूरे लहलाते फूल, लेकिन एक प्लांट था और इतना खूबसूरत वो बड़ा पूरा लहलाता हुआ बट उसमें फूल नहीं थी गुलाब की। तो मैंने अपने ऑनर से पूछा कि इस प्लांट में फूल क्यों नहीं है, नहीं आता इसका क्या, कौन से कलर का गुलाब आता है? तो बोली बेटा ये बंजर गुलाब है, इसमें फूल आता ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल दो बट इसमें इतने कांटे हैं कि मेरे हाथ मतलब चूक ना जाए तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, शायद मुझे किसी को बुला के इसे हटाना पड़ेगा। तो मैंने बोला आंटी ये तो इतना सुंदर पूरे इतने प्लांट है बड़े और इतना लहलाता हुआ गुलाब का फूल है, क्यों आप हटाओगे, रहने दो इसकी सेवा मैं कर लूँगी। तो बोला ठीक है अगर तुम चाहो तो, अगर कर सकती हो तो हटा देना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जब बैकयार्ड जाती थी मेरा पूरा ध्यान उसी प्लांट पे जाता था। मैं बोली बाबा जो औरत माँ नहीं बन पाती आप उसको माँ बना देते हो, और ये भी तो माँ है ना, इसको क्यों बंजर रखा है, इसको भी माँ बनने का सुख दो बाबा। मैं बाबा को बोली अपने जो मंदिर में है, मैंने बाबा उसको भी माँ बनने का सुख दे दो। वो बोलती है मेरी ऑनर की वो बंजर है उसको निकाल दो, मतलब माँ वो बंजर है तो क्या उसका पूछ नहीं है, मतलब मेरे को दिल में वैसा आया कि उसको भी उतनी इज्जत दे दो बाबा। तो मैं बाबा को हर दिन स्नान कराती हूँ, जो बाबा की मेरी है घर पे मैं एवरीडे स्नान कराती हूँ। तो जो पात्र में जल होता है मैंने क्या किया वो जल हर दिन मैं उस प्लांट में डालती थी और प्रार्थना करती थी बाबा उसको माँ बनने का सुख दे दो, मतलब जो गुलाब फूल है वो उनके बच्चे हैं इनको माँ बनने का। ऐसा करके मैंने 4-5 महीने 6 महीना मैंने हर दिन उसमें वही जल जो बाबा का स्नान किया वो जल था मैं उसमें डालती थी और प्रार्थना करती थी। बिलीव नहीं करेंगे 6-7 महीने बाद उसमें कलियाँ आई और वो और उससे जो फूल निकले वो पीच कलर के इतने बड़े गुलाब 2-3 निकले, मैं दंग रह गई बाबा, मतलब उससे फूल निकले और मैंने वो फोटो खींच के अपने ऑनर को दिया कि इसमें तो फूल आ रहे हैं, आपने बोलते हैं इट्स मैजिकल मिरेकल हॉट पॉसिबल, कभी फूल नहीं आए मैं तो उसको फेंकने आ, और अब तक उसमें 3 साल से फूल आ रहे हैं, मेरे पास उसकी फोटो भी है। और मैं जब बैकयार्ड जाती हूँ ना मेरा उस प्लांट से ऐसा कनेक्शन है ना, मैं उनको बच्चे के जैसा उस प्लांट को रखती हूँ, मतलब उस पर मुझे बाबा की कृपा दिखती है कि बाबा ने उस प्लांट पे उसको माँ बनने का सुख दिया है, मतलब ऐसे बाबा की कृपा हुई ना मैं खुद दंग रह गई हूँ। इसमें बाबा की कृपा से ज्यादा आपकी जो ममता करुणा और प्यार का जो भाव है ना वो मुझे तो दिखता है कि जो आप एक नो बाबा जो फील करते थे कि एक पेड़ के अंदर में भी एक जान है वो आप फील कर रही, बच्चे के रूप में उसका पालन पोषण कर रही हैं। देखिए वो बाबा के स्नान का जल जिसे कि शिरडी में अगर आप जाएं तो उसे तीर्थम बोलते हैं, तो वो तीर्थम लेने के लिए कितने सारे भक्त वहाँ पर ना कोशिश करते हैं, किसी को सौभाग्य मिलता है
तो वो प्राप्त भी हो जाता है एंड वो लेकर आते हैं। तो बाबा की कृपा तो अलग 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 तरीके से बरसती है हम भक्तों के ऊपर में, परंतु ये जो ट्रू बाबा की जो लर्निंग्स है, टीचिंग्स है, वो सिखा हमें तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे स्वरूप में दिखाई दे रही है कि कैसे सेवा में लगी हुई हो एंड कैसे यहाँ पर भी बाबा का प्रचार हो रहा है, उसके लिए मेरा तहे दिल से नमन और तुम्हें धन्यवाद। शिखा आ जाओ, नवंबर 20 से 23 तारीख को अगर पॉसिबल हो तो आ जाओ। साई संगम 9 है, सैकड़ों के नंबर में वहां पर बहुत सारे भक्त मिलेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना कि लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। शिखा जी को हम बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। शिखा जी, आप हमारे व्यूअर्स के साथ में कुछ शेयर करें जो आपने इस सेवा, इन लीलाओं, इस पूजन अर्चन के माध्यम से इतने सालों में बाबा से सीखा है। जिसे भी अपना जो भी इष्ट मांगते हैं, जिसे भी भगवान मानते हैं या साईं बाबा को ही मानते हैं, उससे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना अटूट प्यार करो ना कि खुद को फना कर दो। वो कहते हैं ना, खुद को भी उनके लिए निछावर कर दो, जो होना है हो जाने दो, उनको नहीं छोड़ना है। जब ऐसा प्यार होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपको दुनिया का कोई दुख दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख और सुख में अंतर करना ही आप भूल जाएंगे। उनके प्यार के आगे सब छोटा दिखता है, सब छोटा, और आप दे नहीं रहे हो उनको, बल्कि ले रहे हो, आप अपने आप को दुख से मुक्त कर रहे हो। तो इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि सब चीजें उनके सामने छोटी पड़ जाए। वाह वाह वाह, देखिए शिखा जी ने कितनी ब्यूटीफुल शिक्षा कहिए बाबा की हम सभी को दी, कि बाबा से इतना प्यार करो कि उस प्यार में आप अपने आप को फना कर दो एंड तब फिर कोई दुख तकलीफ आपको महसूस ही नहीं होगी। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, क्योंकि ये जीवन है, कर्मों की पोटली हम प्रारब्ध की लेकर आए हैं, कुछ इस जीवन के कर्म है जिन्हें भोगने हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, हम फिर मिलेंगे अगले साईवार को। तब तक के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी का। बाबा को तो धन्यवाद देने के लिए शब्द है ही नहीं, और यहाँ पर शिखा जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं ऐसे शिखा जी नहीं, शिखा शिखा करके ही बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत छोटी है उम्र में, परंतु भक्ति में मुझसे बहुत ही बड़ी है, ये महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ओम साई राम।